हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम 15 फरवरी 2020 का द ट्रिब्यून का ओपिनियन पेज पढ़ेंगे। दो आर्टिकल हैं, दोनों बहुत ही अच्छे आर्टिकल हैं। मेंस के लिए आपको काफ़ी सारे इंसाइट्स इसमें मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, जो है गवर्नेंस के ऊपर। गवर्नेंस की बात की जा रही है, राइटर हैं, प्रोफेसर हैं नेशनल यूनिवर्सिटी के। चलिए शुरू करते हैं। बात हो रही है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की एनुअल डेमोक्रेसी इंडेक्स की। एनुअल डेमोक्रेसी इंडेक्स को काफ़ी ज़्यादा अटेंशन इस साल मिला है, इससे पहले कभी मिला नहीं। खास करके इंडिया की रैंकिंग को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखा गया है। इंडिया का जो करंट पॉलिटिकल क्लाइमेट अगर हम देखें, जिसमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा अटेंशन दी गई है, तो रैंक भी उस हिसाब से जितनी हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो रही है उसको देखते हुए, पिछले साल 41th रैंक थी 165 कंट्रीज़ में, 52 आ चुकी है। काफ़ी निराशा वाली चीज़ है ये, और सवाल उठने लग गए कि हम क्या ऑथोरिटनिज्म की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमारा जर्नलिज्म कैसा है, क्या हम एक डेमोक्रेसी नहीं हैं, क्या हम हमारी डेमोक्रेसी केवल रिटर्न लिखने के लिए डेमोक्रेसी है। तो आज तक कभी ऐसे सवाल उठे नहीं, इस बार ये सवाल उठ रहे हैं और लोग सॉल्यूशंस के लिए सर्च कर रहे हैं। इस राइटर कहते हैं कि डेमोक्रेसी इंडेक्स पब्लिश, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि इकोनॉमिस्ट ग्रुप के इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने, EIU ने 2006 से ये एनुअल बेसिस पे इंडेक्स आ रही है डेमोक्रेसी इंडेक्स। काफ़ी सेवरल इंडिकेटर्स पे ये कंट्री की परफॉर्मेंस देखती है, जिसमें गवर्नमेंट की फंक्शनिंग हो गई, प्लूरलिज्म हो गया, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो गया, पॉलिटिकल कल्चर हो गया, लिबर्टीज़ हो गई, कितनी आज़ादी किसी देश में दी जाती है, गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शनिंग कर रही है, लोगों का पार्टिसिपेशन कितना है पॉलिटिकली, कितने यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ आ रही है, कितनी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, अपोजिशन पार्टी को बोलने दिया जा रहा नहीं दिया जा रहा, पॉलिटिकल कल्चर क्या है। तो जो इंडेक्स है ये बेसिकली सारी कैटेगरीज देखता है। कैटेगरीज़ देखने के बाद वो कंट्रियों को बांटना शुरू कर देता है कई सारी कैटेगरीज़ में, जैसे कि अगर किसी का स्कोर कम रहा, ऐसे तो इसका स्कोर 0 से 10 तक होता है। 0 से 10 तक का मतलब है जितना ज़्यादा आपका स्कोर होगा उतना ज़्यादा आपकी डेमोक्रेसी की मतलब स्ट्रॉन्ग नज़र आएगी। तो 8 से 10 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो ये फुल डेमोक्रेसी है, 6 से 8 के बीच में आप फ्लॉड हो, और 4 से 6 है तो ये हाइब्रिड है, और बाकी जो 4 से कम आई वो अथॉरिटेरियन रिजीम है। तो अभी ये जिस तरीके से परफॉर्म की जाती है कंट्री इन कैटेगरीज पे, पैरामीटर्स पे, तब जाके ये स्टेटस मिलता है। तो एक बार हम इसको अच्छे तरीके से देख लें। 5 कैटेगरी कौन सी है देख लो, सिविल लिबर्टी, इलेक्ट्रल प्रोसेस, प्लूरलिज्म, 3 फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, 4 पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, 5 पॉलिटिकल कल्चर। स्कोर 0 से 10 तक होता है, स्केल होता है, स्केल 0 से 10 के बीच में कितने नंबर आपको मिलते हैं, और बेसिकली ये देख सकते हो आप कि 8 से बड़ी है तो फुल डेमोक्रेसी, 6 से 8 के बीच में फ्लॉड डेमोक्रेसी, 4 से 6 के बीच में हाइब्रिड रिजिम है, और 4 से कम तो अथॉरिटेरियन। फुल डेमोक्रेसी का मतलब पूरी डेमोक्रेसी है, बोल फंक्शनिंग में भी डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट के काम करने के तरीके में भी डेमोक्रेसी है। फ्लॉड डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि केवल नाम की डेमोक्रेसी है, वरना डेमोक्रेटिक इतनी प्रोसेस इसमें होती नहीं है। हाइब्रिड का मतलब है कि थोड़ी सी डेमोक्रेसी है, थोड़ा सा जो है अथॉरिटेरियन रिजिम है, जैसे कि पाकिस्तान एक हाइब्रिड रिजिम ही है, जिसमें डेमोक्रेसी के नाम पे पीएम इलेक्ट तो होता है लेकिन मिलिट्री रूल भी काफ़ी से तरीके से चलता है, तो हाइब्रिड रिजिम है। अथॉरिटेरियन रिजिम है ये बिल्कुल डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज़ होती हैं। हमारे स्कोर्स गिरते जा रहे हैं, इंडिया का स्कोर इस बार जो आया उसको अब फ्लोट डेमोक्रेसी का स्टेटस मिल गया है। भारत का जो डेमोक्रेसी इंडेक्स में प्रोग्रेस किया भारत ने कभी, तो वो 2006 से 2014 के बीच में किया था, जब हम लगातार बढ़ते चले गए। 2014 के बाद से हमारा स्कोर गिरता चला गया, और पहला वाला जो ईरा था 2006 से 2014 वाला, उसमें हम फटाफट बढ़ते गए। 2010 में हमारा 7.28 था, 2018 में 7.92 हुआ, ऐसे करते करते 27 से हमारी 40 से रैंकिंग 27 पे आ गई। 2014 में हमारा जो है हिस्टोरिकल लैंडमार्क माना गया, मतलब इतने तरीके से पब्लिक इंगेजमेंट देखी गई कि 2014 में लास्ट साल था जब हमारी रैंकिंग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी और काफ़ी अच्छी हमको रैंक मिली। फिर 2014 के बाद तो स्कोर गिरता ही गया, 2016 को अगर छोड़ दें तो 2014 के बाद हमारा स्कोर अब तक गिरता हुआ जा रहा है। कुछ इससे सीख मिलती है, पहली तो ये कि एक तो किसी भी डेमोक्रेसी देख लो या इंडियन डेमोक्रेसी को देख लो, तो सबसे बड़ी चिंता होती है सिविल लिबर्टीज़,
लोगों के पास कितनी लिबर्टी है। और जिस तरीके से डेमोक्रेसी इंडेक्स में हमारी रैंक गिरती जा रही है, इसका मतलब है कि सिविल लिबर्टी ही नहीं बल्कि और भी जो स्कोर्स है उन और भी कैटेगरी में स्कोर्स में गिरावट आई है। धीरे 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 जो है हमारी रैंक गिरती चली गई और फिर हमारी रैंक आज की तारीख में मैं बात करूँ तो 51 पे पहुँच गई है। और 2017 में रैंक वैसे 42 थी, लेकिन आज 2020 में ये रैंक 2019 में ये रैंक जो है 451 तक पहुंच गई है। तो ये रैंक गिरती गई है और इनकी गिरने की वजह ये है कि एक तो 2014-15-16 में जिस तरीके से सेंट्रलाइजेशन बढ़ा, जैसे कांग्रेस जैसी अपोजिशन पार्टीज़ थी उनका उनकी आवाज़ कम हुई, वो ज़्यादा पावरफुल नहीं हुई, इनको ज़्यादा जो है मीडिया में देखा नहीं गया, तो इसकी वजह से स्कोर गिर गया। फिर इस साल ये आर्टिकल 370 और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की जो बात थी, CA की बात थी, इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा सॉरी ये तो अब आए हैं, रैंक तो पिछले साल की है ना, तो ये रैंक में गिरावट आर्टिकल 370 और NRC असम में जो आ रहा था उसके बाद रैंक में गिरावट आई है। और रैंक आई थी उसके बाद में हमारी CA वगैरह आए हैं, तो CA को ध्यान में नहीं रखा गया, NPR को ध्यान में नहीं रखा गया, अगर उसको ध्यान में रख लेते तो रैंक और भी ज़्यादा गिर जाती। सिविल लिबर्टीज़ को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखा जाता है, प्लूरिज्म भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है कि माइनॉरिटीज़ को कितनी ज़्यादा ताकत मिलती है। और धीरे धीरे देखा गया तो हमारी रैंक गिरती चली गई और रैंक से साथ हमारा स्कोर भी गिरता चला गया। बेसिकली भी देखा गया कि कितना इलेक्टोरल प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी है, कितनी फेयरनेस है, कितने कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं, क्या दो ही कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, क्या दो ही पार्टी हैं, कितने पार्टीज चुनाव लड़ रही है, फिर उस पर देखा जाता है कि किस तरीके से इलेक्टोरल यहाँ पे लिबर्टीज़ मौजूद है। फिर आपको पता है कुछ सालों में, आपको पता है अभी गोवा और मणिपुर में जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी, गठबंधन बना, फिर वो टूट गया, फिर डिफेक्शन के मामले सामने आए, गवर्नर ढंग से काम नहीं कर रहा था, तो ये चीज़ें थी, इस वजह से भी रैंक गिरी। और कई हर कैटेगरी में हमारी रैंक गिरती चली गई, ठीक है। और फिर आप देखोगे इंडिया की परफॉर्मेंस जो है वो गिरती ही चली गई। अब इम्पोर्टेंट इसमें क्या है जानना आपके लिए, वो ये है कि इतना सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे होने के बावजूद भी, सुप्रीम कोर्ट की इतनी ज्यूरिसप्रूडेंस होने के बावजूद भी, हमारी जो इंडियन पब्लिक है वो अभी भी डेमोक्रेसी में इतना विश्वास उसका नहीं आ पाया है। और ये चीज़ साफ साफ हमारी साबित होती है रैंकिंग में। ये कोई ऐसा घटना नहीं है कि अचानक से रात में हो गई, दिन में पता चला, नहीं, धीरे 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 प्रोसेस का ये नतीजा है कि हमारा जो लोगों का विश्वास है, परफॉर्मेंस है लोगों की पॉलिटिकल प्रोसेस में, वो गिरती चली गई। पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो परफॉर्मेंस है डेमोक्रेसी में गिरती चली गई। ये देखने वाली बात है कि इंडिया का जो स्कोर है वो अगर वो गिर रहा है तो वो अकेला इंडिया नहीं है, पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक रिग्रेशन का एक टाइम माना जा रहा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक रिग्रेशन आ रहा है, यानी डेमोक्रेसी जो है चारों तरफ से गिर रही हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस फ्लो हो रही हैं। और वर्ल्ड की अगर एवरेज की स्कोर की बात करूं तो उस वो एवरेज में गिरावट आई है, लेकिन खुशी की बात यह है कि भारत का स्कोर एवरेज स्कोर दुनिया के एवरेज स्कोर से ज़्यादा है। लेकिन खुशी की बात करने से पहले ये भी जान लो कि एवरेज कैसे निकलता है, जब अच्छा कंट्री और बुरा कंट्री का एवरेज निकलता है। अच्छा कंट्री यहाँ पे नॉर्वे है, सबसे 9.87 स्कोर आया, उससे हमारी रैंकिंग बहुत कम है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि नॉर्वे तक पहुँचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बजाय कि पाकिस्तान देखने के लिए। हमको इंडिया की डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ कितनी है वो इस रैंकिंग से पता चलता है। ग्लोबल एवरेज से तो स्कोर अच्छा है, लेकिन नॉर्वे जो टॉप कंट्री है अगर उसके सामने देखें तो हमको बहुत लंबी रोड, बहुत लंबी सड़क अभी पार करनी पड़ेगी। रियलिटी यह है कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन अभी हमको ये देखना पड़ेगा कि इंडिया की परफॉर्मेंस और ग्लोबल ट्रेंड से, कि डेमोक्रेसी कभी भी सेफगार्ड नहीं की जा सकती बिना उन लोगों के जो लोग डेमोक्रेसी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन लोगों को साथ में लेना पड़ेगा आपको। एक बार थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। और कंट्रीज से अगर कंपैरिजन में करूं तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्कोर रहा वो 7.96 रहा, जो कि फुल डेमोक्रेसी के बेंचमार्क से बिल्कुल नीचे हैं। और हमारा भी कुछ ऐसा ही स्कोर रहा है, 7.21, 7.3 ऐसा ही कुछ स्कोर रहा है, बिल्कुल इंडिया का भी यही स्कोर रहा था। लेकिन बेसिकली बात ये हुई कि फुल डेमोक्रेसी से हम नीचे तो आ ही गए भाई। फुल डेमोक्रेसी 8 से ज़्यादा स्कोर आता है तब फुल डेमोक्रेसी होता है, लेकिन हमारा स्कोर अगर 7 के आसपास है तो फ्लोड डेमोक्रेसी कैटेगरी में तो आ ही गए। बांग्लादेश का स्कोर 5.88 फ्लोड डेमोक्रेसी में आता ही है। और पाकिस्तान का तो 4.25 है जो हाइब्रिड डेमोक्रेसी में आता है।
चाइना का तो स्कोर तो बहुत कम है, चाइना का नॉर्थ कोरिया का स्कोर तो वैसे भी कम ही आता, लेकिन चाइना की रैंकिंग सबसे ज़्यादा गिरी है, वो इस वजह से गिरी है क्योंकि जिंगजियांग जो मुस्लिम के साथ जो प्रोसिक्यूशन किया जा रहा है, उनका जो अत्याचार उन पर किया जा रहा है, इस वजह से चाइना की रैंक गिरी है। अच्छा, टॉप रैंक में नॉर्वे आया अपना, नॉर्वे का स्कोर 9.87 रहा है और इसको फुल डेमोक्रेसी माना जा रहा है। नॉर्वे के साथ साथ है आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और भी फुल डेमोक्रेसीज हैं जैसे कि जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, तो इनकी रैंकिंग अच्छी आ रही है। जर्मनी और जैसे कि फ्रांस वगैरह हमसे जीडीपी में पीछे हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डेमोक्रेसी में आगे हैं। तो महत्व तो ये करता है कि हम जीडीपी को कम महत्व दे के पहले देश की जो जैसे डेमोक्रेसी इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, इन पर ज़्यादा महत्व दें हम। एक आर्टिकल ये है कि न्यू इन्फेक्शन से थ्रीट किस तरह कदर बढ़ता जा रहा है और हमारा देश क्यों फॉरेन कंट्रीज़ की कोलेबोरेशन रिसर्च में करने से डर रहा है, क्यों फॉरेन कंट्रीज़ का सहयोग लेने से मना कर रहा है। कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है, पूरी दुनिया सहमी हुई है। कोरोना वायरस पहला ऐसा खतरनाक वायरस नहीं है, सार्स, मीर्स, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, फुल फॉर्मिंग की जीका, निपा, एवियन इन्फ्लुएंजा, जो आपके सांभर लेक वाला जो इस किस्सा सामने आया था उसका ये था कारण, स्वाइन फ्लू, एंथ्रैक्स, चिकनगुनिया, और इनको इन पैथोजीन्स को, इन वायरसेस के जो पैथोजीन्स होते हैं इनको कौन ट्रांसमिट करता है, बैट्स, पिक्स, बर्ड्स, मॉस्किटोज। तो हम ऐसे एक दुनिया में रह रहे हैं जिसमें ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, नए नए वायरस निकल के आ रहे हैं और बेसिकली वायरसेस जिस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो एक डर फैल रहा है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, क्वारंटाइन कर सकते हैं, क्वारंटाइन का मतलब है हम जो पेशेंट्स हैं उनको अकेले मिले जा सकते हैं, आइसोलेशन मिले जा सकते हैं, किसी से बात करने नहीं दे सकते, वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिशन जो चेन है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। WHO ने कई सारी स्टडीज़ इस पर की, रिसर्च की कि कैसे ट्रांसमिशन रोका जाए, कैसे जो है इन डिसीज़ को समझने की कोशिश की, और ये ज़रूरी था क्योंकि इससे ही हम ड्रग्स और वैक्सीन्स बना सकते हैं इन डिसीज़ से लड़ने के लिए, क्योंकि ऐसे जो आउटब्रेक होते हैं बहुत जल्दी फैल जाते हैं। जैसे चाइना में जो कोरोना वायरस है वो 63,000 लोगों को फैल गया 8 हफ्ते के अंदर अंदर, मेरे हिसाब से शायद 8 हफ्ते भी नहीं हुए होंगे उसको, और 1500 लोगों की मौत की खबर आ गई। तो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम ये देखें कि क्राइसिस को किस तरीके से हम इमीडिएटली टैकल कर सकते हैं, और इमीडिएटली नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म मेजर्स भी कैसे ले सकते हैं, जैसे वैक्सीन्स कैसे डेवलप कर सकते हैं। भाई कोरोना वायरस हुआ तो कोरोना वायरस को किस तरीके से ट्रांसमिशन रोका जाए वो अपने आप में एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज लॉन्ग टर्म में उसकी वैक्सीन कैसी बनाई जाए, क्योंकि वैक्सीन तो 2 दिन में तो नहीं बनती, और वैक्सीन बनती कैसे पहले तो ये जान लो। वैक्सीन पहली बात तो वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीनेशन के जरिए हम जो वायरस फैल रहा है जिसकी वजह से डिसीज फैल रही है उस वायरस का डेड फॉर्म, लाइव नहीं डेड फॉर्म, हम उस पेशेंट की या फिर किसी भी आदमी की बॉडी में डालते हैं। तो बॉडी अब डेड फॉर्म है वायरस की तो अटैक नहीं करता, तो बॉडी वायरस को पहचान लेती है, उसका पूरा नक्शा देख लेती है, समझ जाती है अच्छा ये वायरस से हमको ऐसे बचना है, बॉडी अपने आप, बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम। फिर जब भी वो वायरस अगर होता है लाइव फॉर्म में, अगर बॉडी में आता है किसी और तरीके से, मच्छर की वजह से, पिक की वजह से, रैट की वजह से, बैट की वजह से, तो बॉडी उससे लड़ने में कामयाब हो जाती है। इस तरीके से आपका पोलियो वैक्सीनेशन काम करता था कि जैसे हर बच्चे को पोलियो की दवा पिलाई जाती थी चाहे वो पोलियो से ग्रसित हो या नहीं हो, क्यों, क्योंकि कम से कम उस वैक्सीन के जरिए बॉडी में वो डेड वायरस डाला जाता था ताकि बॉडी को उस वायरस की पहचान हो सके और बॉडी जब रिस्पॉन्स दे तो पहले से बॉडी तैयार हो उस वायरस से निपटने के लिए। तो ये वैक्सीन का प्रोसेस होता है। वैक्सीनेशन बनाने के लिए आपको वायरस का डेड फॉर्म चाहिए, और कोरोना वायरस का डेड फॉर्म लाना मुश्किल हो रहा है अभी, इसका जो है साइंटिफिक रिसर्च अभी नहीं हो पा रही, कोलेब्रेशन काफ़ी मुश्किल है। हालांकि थाईलैंड ने अभी एड्स का वायरस यूज में लेकर 36 लोगों को ठीक किया था, लेकिन अभी भी उसकी पुष्टि नहीं हुई। केरला में जैसे निपा वायरस निकला था वैसे भी और राज्य हैं हमारे जो काफ़ी वल्नरेबल है, इसके लिए हमको कोलेबरेटिव रिसर्च करनी पड़ेगी, नए नए मेडिकल प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, और इसके लिए ना केवल हमारे देश को ही बल्कि इंटरनेशनल जो मेजर्स हमको उठाने पड़ेंगे, इंटरनेशनल जो रिसर्चर्स हैं उनके साथ बात करनी पड़ेगी, WHO के साथ काम करना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी आज ये क्या है, अगर हम इन आउटब्रेक्स का नेचर देखें और ये देखें कि रिस्पॉन्स कितनी जल्दी करना है, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेशन कितनी तेज़ी से शेयर हो रही है। WHO को चाइना ने 2 हफ्ते बाद बताया था, जब तक जाने कितने लोग इधर से उधर हो गए थे। डाटा एक्सचेंज होना जरूरी है, कोलेब्रेशन होना जरूरी है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है, देखो हमारे देश में क्या होता है कि हमारे लोग डर रहे हैं,
मतलब अभी क्या हुआ कि वैक्सीन्स जब बनाई जाती हैं तो वायरस सैंपल लिए जाते हैं। अब वायरस अगर डेडली हुआ तो चलो लेबोरेटरी तो उसको कंट्रोल कर लेगी, लेकिन मान लो अगर हम कर रहे हैं वायरस कर रहे हैं और किसी और कंट्री ने हमसे कहा कि हमको भी इसकी टेस्टिंग करने दो, हमको भी वो डेड वायरस दे दो, तो हो सकता है वो उसका दुरुपयोग करके उसको बायोटेररिज्म के रूप में अपना ले, उस वायरस का दुरुपयोग करके अपने दुश्मन देश पे बीमारी फैलाने की कोशिश करे। तो ये डर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को फैला रहता है। और इसका एग्जाम्पल जब दिखा कि मणिपाल में यूनिवर्सिटी बेस्ड वायरस रिसर्च सेंटर है जिसका डिस्क्वालिफिकेशन किया गया क्योंकि वो निपा वायरस से रिसर्च कर रहा था। और बेसिकली एक और इंस्टीट्यूट था जो कि इबोला पे काम कर रहा था, उसको भी डिस्क्वालीफाई किया गया क्योंकि दोनों केसेस में इंटरनेशनल बॉडी जुड़ी हुई थी। ये दोनों इंस्टीट्यूट कैसे ना कैसे इंटरनेशनल रिसर्चर से जुड़े हुए थे और शक ये था कि इंटरनेशनल जो बॉडीज़ हैं वो इन वायरस का दुरुपयोग करके सैंपल लेके कहीं इसको बायोटेररिज्म के रूप में ना अपना ले। और इसमें फ़ॉरेन एंगल सामने आ रहा है, फ़ॉरेन एंगल सामने आते ही जबकि सारी इन्फॉर्मेशन हमने ले ली थी और सेंटर ने साफ कह दिया था कि कोई सैंपल देश से बाहर गया ही नहीं, सारी परमिशन ले ली थी, उसके बावजूद भी एक डर बना रहा। और ये जबकि जितने भी ये जो रिजल्ट्स हैं ये पब्लिश होते, एक कंट्री को हेल्प मिलती, दूसरी कंट्री को हेल्प मिलती, लेकिन यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डर भी सही है। मान लो वो वायरस अगर गलत तरीके से इस्तेमाल हो जाए तो वो भी एक चिंता का विषय है, लेकिन पब्लिक में रिसर्च तो करनी पड़ेगी ना भाई। हमारे देश के डॉक्टर को, रिसर्चर्स को, मेडिकल प्रोफेशनल्स को, बाहर जो बॉडीज़ हैं उनके साथ बात तो करनी पड़ेगी, WHO के साथ बात करनी पड़ेगी, इंटरनेशनल बॉडीज़ से बात करनी पड़ेगी, अलग अलग देशों के साथ बात करनी पड़ेगी, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे चाइना हो। तो हमको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का भी शक सही है, लेकिन रिसर्च को अपनी एक प्रॉपर महत्व देनी चाहिए, पब्लिक हेल्थ को भी ध्यान में रखना चाहिए और बायोसेफ्टी कंसर्न दोनों को ध्यान में रख के हमको फॉरेन कोलैबोरेशन को अलाउ करना चाहिए। फॉरेन कोलैबोरेशन को इस तरीके से जो है डर के रूप में नहीं देखना चाहिए कि रिसर्च नहीं हो पाए। हाँ, रेगुलेशन करो, रेगुलेशन अच्छे से करो, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च की एडवाइस मानो, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च की बात मानो, एडवाइस लो उनकी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पूरी तरीके से अगर डर जाएगी ऐसे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के जो प्रिंसिपल एडवाइज़र हैं, साइंटिफिक एडवाइज़र टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा है कि नेशनल और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी जरूरी है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो अगर इस तरीके से हम डर के भागेंगे कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करने से बचेंगे किसी भी डिसीज की रिसर्च में, क्योंकि हमें डर लग रहा है कि कहीं उसका वायरस अगर वो या वो कोई दुश्मन देश के हाथों में न लग जाए, तो एक बहुत बड़ी गलती हम ये कर रहे हैं। क्योंकि इस तरीके से ना हम केवल हमारे भारतीय जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं उनकी रिसर्च को, उनकी अपॉर्चुनिटी जो उनको मिलती वो, बल्कि वही नहीं, हम इंडिया की जो प्रिपेयरनेस है डिसीज से लड़ने के लिए वो भी ख़त्म करते जा रहे हैं। कुछ महीनों पहले ही ISMR ने कहा था कि हम जो है रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म बनाएंगे और उसमें WHO का सहयोग लेंगे। तो ज़रूरी है, क्योंकि चैलेंजेस सॉल्व करने हैं तो मिलकर काम करना पड़ेगा। अब चाइना ने जो है WHO को 2 सप्ताह बाद बताया था डिसीज के बारे में, इतने में तो चाइना में वुहान में पूरे लोग फैल गए। अब भुगत रहा है, अब परिणाम उसका भुगत रहा चाइना, अब उससे कंट्रोल में आ नहीं रहा, तो ये वाली बात है। तो डाटा एक्सचेंज, कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खुला रहना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, टेस्टिंग के लिए प्रॉपर मेजर्स होने चाहिए, एक प्रॉपर जो है सर्विलियंस होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि ब्यूरोक्रेटिक हजार्ड्स यहाँ पे बन जाए, दखलंदाजी जो है हमारी अथॉरिटी बार बार करें, कि सेंटर्स को ही बंद करवा दिया जाए जैसे लेबोरेटरीज़ को भी करवा दिया गया था। तो पोटेंशियल ड्रग्स और जो वैक्सीन्स होते हैं एक देश में जो बनते हैं उसको दूसरे देश में भी भेजना चाहिए टेस्ट करने के लिए। बायोसेफ्टी का कंसर्न बना रहता है, मिसयूज का कंसर्न बना रहता है, लेकिन उसके लिए हमको अभी करना जरूरी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी अब वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स आने लगे, तो हमको रेगुलेशन तो करना पड़ेगा लेकिन रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, ये बात हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। निपा और हेंड्रा वायरस के लिए भी इंडिया ने अच्छे से काम किया, इंडिया ने कई सैंपल्स बनाए। अब इंडिया इस रिसर्च को रिजेक्ट कर दे क्योंकि इसमें फॉरेन कोऑपरेशन था, कर देगा? नहीं करेगा, क्योंकि अब जरूरी है ना भाई, चाहे किसी इंटरनेशनल बॉडी ने कोलैबोरेशन किया हो, चाहे सैंपल उसके पास गए हो, अगर सब कुछ निगरानी में हुआ है तो डरी क्या है, है ना। तो हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ICSMR की बात माननी पड़ेगी, उनके साथ ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ, टेस्टिंग प्रोटोकॉल लाओ, नियम लाओ, कानून लाओ, लेकिन रोकने की कोशिश मत करो, रेगुलेट करो, रेस्ट्रिक्ट मत करो, ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। तो इंडिया को अभी डेवलप करना पड़ेगा अर्जेंटली एक रोड मैप ताकि वो ऐसे नए इन्फेक्शन से लड़ सके और इसकी इम्प्लीमेंटेशन ढंग से कर सके। बॉर्डर से इंसानों को आतंकवादियों से, अभी पता है WHO ने क्या कहा, WHO ने कहा कि आतंकवाद इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बड़ा ये इन्फेक्शन है, ये कोरोना वायरस है। तो बॉर्डर से
लोगों को सुरक्षित करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना नए इन्फेक्शन से सुरक्षित करना, क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो बॉर्डर देख के नहीं आते, आतंकवाद तो फिर भी एक सीमा देख के रुक जाएगा, लेकिन जो इन्फेक्शन है, जो बीमारियाँ हैं, वो बॉर्डर देख के नहीं आते, वो हर दुनिया के किसी भी कोने में जाके आप देख लो, जैसे यूएसए में, थाईलैंड में, इंडिया में, वियतनाम में, हर जगह इफेक्ट करते हैं, और खास करके जो गरीब कंट्रीज़ होती हैं। चलो इंडिया ने तो एयरपोर्ट पे सर्विलेंस मैकेनिज्म ला दिया था, थर्मल स्क्रीनिंग कर दी थी, वियतनाम, नेपाल, बांग्लादेश, अगर इनमें ये आउटब्रेक होने शुरू हो गए तो इनमें कैसे रुकावट होगी, किस तरीके से रोका जाएगा, ये एक प्रश्न खड़े करता है हमारे जो मेजर्स हैं, एक्शंस हैं उन पर। गाइज ये थी हमारी वीडियो, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।